दोस्तों आज हम बैंगन और टमाटर की सब्जी बना करके तैयार करेंगे, वो भी बिना धनिया पाउडर और बिना लाल मिर्च पाउडर के। फिर भी इतनी टेस्टी बनेगी कि एक बार आप बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसके डंठल कट करके फेंक देना है। बिना डंठल कट किए हुए भी यह सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बैंगन को पहले कट करने से पहले अच्छे से धो लेना है और बाद में नहीं धोना है। देखो हम इसी तरीके से सारे बैंगन को कट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट यह आज की सब्जी बन करके तैयार होगी। ना कोई इसमें तामझाम है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी और खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे। देखो हम इस तरीके से सारे बैंगन को कट करके तैयार कर लेंगे। अब हमें इस बैंगन को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, नहीं तो जो आपके बैंगन है काले पड़ जाएंगे। गैस पर हमने आधी चम्मच सरसों का ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, वो भी छोटी चम्मच से। और छोटी चम्मच से ही हम इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और 4-5 हमने लहसुन की कलियों को छील लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमें प्याज नहीं डालनी है और जो हमने बैंगन को कट करके रखा था बैंगन को भी हम इसमें डाल देंगे। बैंगन को आपको तभी कट करना है जब आप सारी तैयारी कर ले, नहीं तो जो आपके बैंगन है रखे रखे काले पड़ जाएंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत टाइम हो तो आप बैंगन को पानी में डाल कर रखें तो जो आपके बैंगन है काले नहीं पड़ेंगे। और मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुए हम बैंगन को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये हमारे बैंगन अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएंगे तो जो हमने 2 टमाटर लिए थे टमाटर को भी इन्हीं में हम अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन करके यह तैयार हो जाएगी। देखो अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और ना भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत है। हमने थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली है और 3 हमने हरी मिर्च ले ली है। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हमने छोटी सी प्याज ली है, लेकिन इसमें लहसुन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाली है हमने, तभी यह सब्जी अच्छे से और टेस्टी बन करके तैयार होगी। जब तक ये हमारे बैगन पक रहे थे तब तक हमने मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से इनको पीस लिया है और सारी चीज़ें वो हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। जो हमने हरी पत्ती हरी मिर्च को पीसा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर तक हम इनको भूनेंगे। बहुत ही लाजवाब आज की यह सब्जी बन करके तैयार होगी। यकीन मानिए दोस्तों, आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बना करके खाएंगे। ना तो हमने इसमें गरम मसाला डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक और हल्दी डालनी है। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल दी है, हल्दी इसमें हमने कलर के लिए डाली है। और थोड़ी देर तक हम ज़्यादा से ज़्यादा धीमी गैस पर 1-2 मिनट इनको भूनेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यदि आप सूखी सब्जी खाना चाहते हैं तो देखो ये हमारी सूखी सब्जी तो बन करके तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बिल्कुल हरी हरी सब्जी हमारी बैंगन और टमाटर की बन करके तैयार हो चुकी है। यदि आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना ही आप इसमें पानी डाल दें तो आपकी ग्रेवी वाली सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज ये हमारी बैंगन और टमाटर की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। हम आपको एक बार याद दिला दें, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। देखो जो हमारे बैंगन और टमाटर थे वो तो अच्छे से पहले से ही पके हुए थे, हमने इसमें जो पानी डाला था थोड़ा सा हमें पानी ही पकाना है और हमारी बैंगन की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। जब इसे आप पूड़ी पराठे या रोटी के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। देखो ये हमारी कितनी अच्छी लाजवाब वाली बैंगन की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी है और ये एकदम बिल्कुल खुशबू से भरी हुई है हमारी सब्जी है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।